हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एंड आज काफी टाइम के बाद फिर से मेरा व्लॉग आ चुका है और आप देख रहे हैं अभी मेरे हाथ में कॉफी है, बिकॉज आपको पता ही है मुझे कॉफी पीना काफी पसंद है। सो गाइज, आज आपको मैं अपना पूरा स्नैरियो दिखाऊंगी, बिकॉज बाहर मौसम बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन फिर भी जॉब इज जॉब, मैं तो ड्यूटी के लिए तैयार हो चुकी हूँ। सो बने रहिए मेरे साथ, आज के व्लॉग में मजा आने वाला है। देखते हैं मौसम खराब है, बच्चे अकेडमी पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, क्या स्नैरियो रहता है। सो सारी चीजें आपके साथ आज डिस्कशन करेंगे, आपको दिखाएंगे। सो बने रहिए व्लॉग में, मजा आने वाला है आपको। थोड़ी देर में मैं आपको मौसम का व्यू भी दिखाती हूँ। ये देखो गाइस, आप मौसम की हालत तो देखो, ये और बाहर हो रही है बारिश। उधर आप देख सकते हैं बछला, ये बछला और अडाल गांव है इसकी। देखो मौसम कितना ज़्यादा ख़राब है, और अब मैं देखती हूँ कि मुझे क्या मिलेगा आगे के लिए। तो अभी तो बस में जाना पड़ेगा, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखो गाइस, मैं वहाँ टैक्सी स्टैंड पहुँच गई हूँ ऑलमोस्ट, और मेरी हालत हो गई है ख़राब। वैसे रोड पे पानी, और मैं आपको दिखाती हूँ अभी व्यू। ठंड से भी हालत मेरी ख़राब हो चुकी है, लेकिन स्टिल मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से। ये देखो गाइस, रोडों में कुछ इस तरह से आज स्नैरियो है मतलब, और बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है। ये देखो इधर गांव साइड तो हालत फिर भी ख़राब है, और चलते हैं फिर। मैं देखती हूँ अभी बस इसका क्या है। तो फाइनली पहुँच चुकी हूँ, अभी चलते हैं ऊपर, दिखाते हैं, देखते हैं कौन कौन आया है, क्या चीज़ें हैं। ओह गॉड, अभी तो एकेडमी में कोई भी नहीं पहुंचा है। देखो एकेडमी में लॉक लगा है, तो ये तो मुझे ही खोलना पड़ेगा। सो गाइस, पहले मैं लॉक खोल देती हूँ, फिर चीज़ें करते हैं। सो गाइस, फिलहाल एकेडमी मैंने खोल दी है, और मतलब अभी मैम आ गई, मैम भी आई गई थी, बिकॉज मैम ही सबसे पहले आते हैं, और आज मौसम जैसा ख़राब था तो साथ साथ हम पहुँचे हैं। अभी देखो टाइम लगे भाई धूप पट्टी करने, और फिर अब देखते हैं क्या करेंगे हम आज, क्योंकि आज मौसम आज मौसम ख़राब था, जिस वजह से क्योंकि आज बच्चे भी बहुत ज़्यादा कम आते हैं, इस वजह से मुझे नहीं लगता कि आज कुछ ज़्यादा होगा स्टडी एंड ऑल, बिकॉज बर्फ़ पड़ी है गाँव में। पहले आपको बताइए कि गाँव में तो बर्फ़ पड़ी है, और देखते हैं चीज़ें क्या होते हैं, फिर करते हैं चीज़ें आगे आपके साथ डिस्कशन। फिर आप बने रहें, आज हम आज प्लेंट पर बैठेंगे। गुड मॉर्निंग। ये देखो करीना मैम भी पहुँच गए। देखो अब मैम मेरे को मारेंगे। ये देखो एक मैम धूप पट्टी करने वाले हैं, ये धूप पट्टी कर रहे हैं अभी फिलहाल। अब देखो गाइस, बाकी तो हमारी एकेडमी अभी खाली है गाइस, क्योंकि मौसम कितना ज़्यादा ख़राब है सभी को पता है। तो देखते हैं आज हम क्या करेंगे, आज हम दिखाएंगे जब मौसम ख़राब होता है तो सिचुएशन कैसी होती है, वो सारी चीज़ें आपका डिस्कशन करेंगे। ये देखो गाइस, आप यहाँ देख सकते हैं अभी तो मौसम खुल गया है, लेकिन गाँव साइड ये देखो इधर पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी बर्फ़ पड़ी है। अभी तो धूप लग गई है, लेकिन ये देखो अभी इधर तो अभी भी बारिश ही हो रही है। मौसम देखो, ये आप देख सकते हैं गाइस, पार वो लास्ट चोटी वो चांचल है वहाँ, ये देखो आप देख सकते हैं, आपको अगर दिख रहा हो ये देखो ऊपर लास्ट चोटी में ये चांचल है जहाँ पे बर्फ और पड़ चुकी है। सो गाइस, आपको पता है 11 बज चुके हैं, एकेडमी में अभी फिलहाल कोई नहीं है, क्योंकि ऐसी ठंड में तो बच्चे भी नहीं आएंगे, ठंड और ऊपर से गांव में बर्फ पड़ी होगी। और अभी मैं टेरिस पे जा रही हूँ, आपको दिखाती हूँ वो चीज़ें जो हम क्या करते हैं लैंटर पे जब ठंड होती है, मतलब जब ठंड होती है यूजुअली जब ठंड होती है तो हम आग कहाँ जलाते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। आज भी है वैसे तो ठंड, लेकिन अभी धूप लग चुकी है, बट मैं आपको वो जगह दिखाती हूँ यहाँ जहाँ हम आग जला के बैठते हैं जब ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी भी बारिश भी हो रही है गाइस, ये देखो इस पर
पे हमने क्या करा होता है, यहाँ से हम आग जलाते हैं और इधर उधर से जो लेंगे छोटी मोटी चीज़ें हैं लकड़, उनको उठा के हम क्या कर लेते हैं, वहाँ से यहाँ पे लकड़ी इकट्ठा फिर यहाँ आग जलाते हैं। ये देखो गाइस ये आगे दीदी मेरे लिए कॉफ़ी लेके बेचारे सुबह सुबह डेली इनको परेशान करते हैं ना करो दीदी। ये यहाँ से शॉर्टकट रास्ता है, ये मेरी कॉफ़ी आ चुकी है गाइस। सो ये देखो अब मैं पहले कॉफ़ी पी लेती हूँ फिर चीज़ें करेंगे। अब देखो गाइस यहाँ पे अनुराग ही पहुँचा है, तो फिर अनुराग अनुराग अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं इनकी क्लास ले लेती हूँ फिर बाकी चीज़ें दिखाऊंगी। काजल मैम हो गो बने दिखाती हूँ काजल मैम को। काजल मैम हो गो बने, हेलो करो। ये देखो देखो मतलब लिटरली ऐसा लग रहा है ये बाहर बर्फ पड़ी है तो तब लग रहा है ये हो गया है हमारा। ये देखो गाइस काजल मैम एक अच्छी मैनेजर के साथ साथ एक मिस्तरी भी है, मिस्तरी अभी देखना है मिस्तरी। देखो तो दोस्तों इनका दिमाग बाहर काम नहीं करता दोस्तों, ये देखो तो किससे काट रहे हैं, देखो जरा इनको देखो तो मैम क्या कर रहे हैं आप यार। गाइस जैसे मैंने आपको दिखाया था कि हम ना यहाँ आग जलाएंगे और इनको देखो तो इन मिस्त्रियों को यार, देखो मैम के हुनर देखो आप गाइस, आपने इनकी वही देखी होगी मतलब स्किल्स देखी होगी ना बोलने वाला एंड ऑल। अब आप देखो ये ऐसा भी करते हैं कुछ, और देखो काट किससे रहे, अगर अगर हाथ में लगेगी ना देखो ना वो मैम भी आ गया आज सीखने। ये इनको मत दिखाओ यहाँ, देखो यार टैलेंट होता ना वो मैम, ये भी देखो जो हमारा मैनेजर भी अभी फिलहाल मिस्त्री बने हुए हैं, क्या मस्त है। ये देखो जरा इनकी कारीगरी दोस्तों, बट फिलहाल हमारी आग जल चुकी है, अब हम सेकेंगे आग फिर क्या कर सकते हैं। और तो हमने कुछ क्लासेस भी हुई है हम पढ़ाई सकते हैं, ऐसे ही बच्चे आ रहे हैं मतलब एक एक करके ऐसे साथ नहीं जैसे और टाइम रहता है। ये करीना मैम क्लासेस ले रहे हैं, देखो गाइस मुश्किल से लाया करीना मैम को नीचे से, ये क्लासेस ले रहे थे और ये पढ़ भी रहे थे। ये देखो अब हम यहाँ मस्त आग सेकेंगे। सो गाइस फाइनली लंच टाइम, देखो तुमने मैम लंच छुपा रहे अपना, ये देखो ये तो हमारे साहब जी। ये देखो गाइस हम ना आग सेक सेक के बिल्कुल लाल लाल टमाटर हो गए और अभी जा रहे हैं हम मार्केट, आपको दिखाते हैं मार्केट क्योंकि मैशा के लिए ना कुछ बनवाना था, पहले हमें सैंपल देखेंगे अच्छे हुए तो। ये देखो आ गया आपका पार्सल, ये क्या मंगाया था आपने? ओके ये देखो गाइस मैम ने जो परफ्यूम मंगाया है वो पहले खोल तो देते हम देख लेते, देखो मैम पैकिंग खोल रहे हैं, ये मैम को लगता है आपकी मैम की पसंद का भी हो सकता है, ना पसंद का भी हो जाए कई बार ऐसा भी ना हो बट टप टप करने में मजा आ रही है। सो गाइस होप आपने आज का मेरा ब्लॉग इंजॉय करा होगा क्योंकि आज का ब्लॉग हमारा ऐसे ही मस्ती मस्ती में निकल गया, सारी चीज़ें हमने
ऐसे ही करती, थोड़ा सा क्लासेस वगैरह अटेंड करी और पूरे दिन का आपको सिनेरियो बता दिया। ये सर्दियों का सिनेरियो रहता है गाइज अकेडमीज में भी, क्योंकि बिकॉज अब सर्दियाँ होती है तो ठंड भी होती है, गाँव में बर्फबारी हो जाती है, जिस वजह से बच्चे आना मतलब छूट देते हैं। तो उससे भी गाइज अगर आपने आज के मेरी इस व्लॉग में इंजॉय करा हो, आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हो, तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले गाइज। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों के बीच, और आप कमेंट भी कर सकते हो कि आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं और कैसा ब्लॉग्स और आप चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना प्यार बनाए रखिए गाइज।